जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। तो मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और हम लग गए हैं अपने काम में। तो पहले ना हम किचन को क्लीन करते हैं। कुछ बर्तन है रात के जूठे पड़े हुए हैं, तो इनको धुलने की जगह में रख देते हैं। और वैसे ना रात में ही हमको किचन क्लीन करना अच्छा लगता है, कभी भी ऐसे किचन को नहीं रखना चाहिए। लेकिन शादी फंक्शन वाले टाइम पे ना ऐसा होता है ना कि रात में काफ़ी लेट तक सबका खाना पीना चलता रहता है, इसी वजह से ना इस तरह हमारी किचन पड़ी हुई है। तो पहले हम किचन क्लीन करते हैं और सभी लोग ना अपने अपने काम में लग गए हैं। कुछ लोग ना तपता भी बाहर जल रहा है, उसमें मतलब ताप भी रहे बैठ करके, और मीना को लगा दी है मिट्टी वाले चूल्हे को साफ करके, उसको वो पोत रही हैं। और हम फिर जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि नहाने में भी ना लाइन लगाना पड़ता है। कुछ लोग झाड़ू भी लगा रहे हैं। जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज भी हम लोगों को मंदिर में ना सुहगली खिलाना है, यानी संकटा माता हमारे यहाँ। और ठंडी ना इतनी ज़्यादा है आज सुबह से, और हमने ना सर भी मैंने बाल भी अपने धुल लिया है, और इतनी ठंडी लग रही है, इसीलिए आज हमने शॉल निकाला है। और अभी तक ना सिर्फ स्वेटर ही कभी कभी डाल लेते थे, शॉल नहीं निकल, क्योंकि मतलब काम में लग जाओ ना तो फिर ठंडी बिल्कुल नहीं लगती थी। लेकिन आज ना बहुत ही ठंडी है, इतनी कपकपी सी हो रही थी। जब छत में कपड़े डालने गए हैं ना तो एकदम से कांपे जा रहे थे। तो अभी ना आप लोगों को दिखा रहे हैं कि पूजा की तैयारी यहाँ पर क्या क्या हो गई है। तो पहले हम लोग जाएंगे मंदिर, और इसके बाद ही फिर आने के बाद गर्म पानी चाय वगैरह सब पियेंगे। और सभी लोगों की लाइन लगी हुई है नहाने में, तो सब लोग आए हैं। सब लोग ना इतनी जल्दी जल्दी काम में लग जाते हैं ना, पूरे काम आराम से हो जाते हैं। पूरी पूजा की थाली सज गई है, इसमें रंग करना है, रंग लेते हैं। चावल के लड्डू बनाएंगे ना, तो इसमें हमने थोड़ी सी देसी घी डाल दिया है। अब ये कटा हुआ मेवा भी डाल देंगे इसी में। अब इसको भून लेते हैं। और वैसे तो पेड़ा सासू मैंने मंगा रखा है, तो पेड़े की मतलब सुहगली खिलाई जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ ना चावल के लड्डू मेन होते हैं ना, जो संकटा माता खिलाई जाती हैं, इसीलिए ना थोड़ी से चावल के लड्डू बनाएंगे। तो पहले हम मेवा भून लेते हैं, उसके बाद इसी में डाल देंगे शक्कर। हम दोनों देवरानी जेठानी लग गए हैं। मीना की आज साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, अभी ना आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। तो पहले इसमें हम डालते हैं दूध कच्चा डाल देते हैं भैंस का, और डाल देंगे शक्कर। अभी इसमें आटा नहीं डालेंगे, जब अच्छे से शक्कर पिघल जाएगी। हाँ अभी बहनी रंग नहीं लगाया, लगा वो का ले आवा रंग, हमरे लगा दिया तो वो लगा लिया। दूधी ना से ना तो रंग लगता है पैर में, और पीछे एड़ी ने इतनी फट गई है। हम लोग जल्दी इसीलिए रंग ठंडियों में तो वैसे भी नहीं लगाते हैं, अगर रंग लगा लो ना तो एड़ी बिल्कुल फट जाती है। हम एड़ी तो बोल दिए, पता नहीं आप लोग एड़ी समझ रहे हो कि नहीं। जो पैर का पीछे का हिस्सा होता है ना, उसी को एड़ी बोलते हैं। अभी सासू माँ कलर लिए जाओ, रूम में है कटोरी कलर सब सामने रखा हुआ है। बाहर ना इतनी हलचल मची हुई है, सब बच्चे जितने भी गेस्ट आए हुए हैं सब लाइन लगाए हुए हैं बाथरूम में। तो होता है ना सुबह सुबह अगर 2-3 बाथरूम हो ना तो पूरे बाथरूम फुल हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं। शक्कर पिघल आई है, अब इसमें डाल दो आटा। डालो इसको अच्छे से, ऐसे ही ऐसे खोआ भी बना करके डाला जाता है। लेकिन इस समय ना भीड़ में हम सोच रहे थे खोआ कौन बनाए, बस कच्चा दूध ही डाल करके लड्डू बना लेते हैं। मिक्स कर लो इसको अच्छे से, सॉल ओढ़ लिए तब भी डक 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 ऐसे हो रहा। ठंडियों में ना पता है खुशबू सीताराम सीताराम बोलते जाओ ना तो ठंडी दूर हो जाती है ना। जैसे ना बुढ़ों की दाढ़ी ढोंढती है ना, वैसे कभी कभी होता है ना हम लोगों की भी वैसे ही दाढ़ी ढोंढ रही डक 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 डक। तो ये देखिए ऐसे मिक्स हो गया। अब इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। घी थोड़ी डाल दो, घी डालने से बंद हो जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी घी भी डाल देंगे, तभी अच्छे से हमारे चावल के लड्डू बन जाएंगे। बनाओ, हम लोगों को दिखा रहे हैं चावल के लड्डू हमारे बन गए, और कितने बड़े बड़े बनाए, क्योंकि 9 ही लड्डू ये वाले बनाना था। और छोटे वाले लड्डू ना ये बनाए हैं, जब कथा होगी तो हाथ में लेकर के कथा सुनी जाएगी, इसके बाद माता जी में चढ़ा दिया जाएगा। तब हम चल, तो हम लड्डू लेकर के चल रहे हैं।
आज ना हम अपने देवरानी का नौनिया बना रहे हैं, कहे कि अच्छा अच्छा हमने रंगा वाला खाया तनिको बिगाड़े है ना अप्रीति के कलर लग गया है, देखिए कलर बोलो या रंग बोलो सब सब चलता है ना अप्रीति ने रेड कलर की साड़ी डाला है, मीना की साड़ी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बड़ी तारीफ सभी की कलर अलग अलग है, यानी देवरानी की साड़ी कभी कभी एक ही कलर बोल जाते ये लकड़ी उकड़ी ना तोड़ा आराम से लगा रहा ये देखा आज ही ना उछाल उछाल लकड़ी बनाया है, ये लकड़ी से रंग लगा कलर चेंज नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, आधी डाल दिया कुछ लगा तुम लोग पैर में कुछ, हाँ कुछ तो लगाए तो पड़ा था, ठंडी में नहाने के बाद कितने शरीरिया फाटे थे, बॉडी लोशन लगाए हैं, अरे बच्ची जौन लागे वही लगाया, देखो जरूरी नहीं है कि चटके चटक लागे, चाची दो दिन से तो चटके चटक कलर लागता है, कहा कि कहाँ लगाया है पैर में चटक चटक कलर नहीं चढ़ाता, हमने कहा जौन चढ़ाते वही तू लगा दिया, बस लाग जाए के सही होगा कितना ये देखा कितना सुंदर कलर लगाया है, अरे वाह ए नौनिया एडिया नहीं भरे यार भर दिया था नहीं दिखाता नहीं है उधर मैं इकट्ठा दे ठीक है का लेबू ने एक में बताओ जान दे दे डिमांड नहीं है डिमांड नहीं नौनिया सस्ती है आवा जाए थे एक ये देखा मार बहा दिया ना हमारे देवरानी इतने फास्ट है ना, हमारे देवरानी नौनिया ना हो, हमारे देवरानी बेचारी बहुत अच्छी है, देखा आज केस वोस धोए हैं, केसवन के तनी सुखा ली है ठीक है नहीं ठंडी लाग जे तुरे गलत का हो गया नाच कूद के ना अपन गला वाला सब आप लोगों का दिखावा है, इस सब कैसे तपता तापता है, ये देखा इधर इनका सबका तपता चलाता है, ये देखा इतने बड़े तबेला में पानी रखा है ना गरम, यही से सब बोर बोर के नहाता है गरम गरम पानी से, प्रतापगढ़ी भाषा हम भी सीख गए मौसी बोलने लगे, हमको ना अच्छा लगता है जब यहाँ यहाँ प्रतापगढ़ी भाषा एक तो हो रे मोहरे हाँ हमको भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें अच्छा लगता है जब कभी कभी बोलते हैं ना हमें बहुत अच्छा लगता है, हाँ इस सब पलटन जगी की नहीं, अभी सब सो सज्जा चुके हैं, इसमें तो कोई लेटा है भी, कोई नहीं लेटा है यहाँ ना, रात में ना इतने लोग लेटे हुए थे, ये मोनू है मोनू, जगाओ जगाओ सबको, अरे मनु उठिए देखिए मनु मनु उठो बेटा, सब लोग चाय पी रहे हैं गरम पानी ले रहे हैं, जल्दी सबकी यहाँ पर मौज मस्ती है, चलो जल्दी अगर तैयार हो गए सब, ज्यादा सामान ले लिया, कह रहे थे किसी को दे दो, बताओ हमका हमारे हाथ तो खाली है, स्लीपर ना पहनो ना तो कितना ही लगता है नीचे का ईटा, सुबह सुबह से अगर उंगलियों में चपेट लग जाए ना तो हालत खराब हो जाए, आप मुझे बोली नहीं पहने रहो, नहीं नहीं मैं भूल ही गई, नहीं तो मिट्टी लग जाती फिर मंदिर भी गंदा हो जाता, सो गाइस आप लोग भी माँ भगवती के दर्शन करिए, और हम बना रहे हैं संकटा माता, तो आप लोग देख सकते हैं हमने कॉटन का कपड़ा नीचे बिछाया हुआ है, पान रखे हैं और पान में ही घी से बना रहे हैं संकटा माता, गौरी भी रख लिए, कलश भी रख लिए, अगर आप लोग चाहो तो लकड़ी का पाटा भी रख सकते हो, नहीं तो कॉटन के कपड़े में ही रख करके संकटा माता बना सकते हो, अब सब सुहागन नहला रही हैं पूजा कर रही हैं, सब सुहाग का सामान भी चढ़ा दिया गया, अब यहाँ पर सबको दिया जा रहा है कोंछा, तो कोंछे में है पेड़ा चावल के लड्डू, कोंछा लेने के बाद ही हमारी चाची जी सुनाएंगी संकटा माता की कथा, तो आप लोग भी सुनिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा संकटा माता की पूजा आप लोगों को कैसी लगी, अगर आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ भी सकते हो, वैसे तो शुक्रवार और सोमवार को ही संकटा माता खिलाई जाती हैं, पेड़ से
कैसे काम पूरा करती हो? आखिर जो तुम्हारा भक्त लोग कहते तो झट दशा माता बोली कि मैं 10 दिन में काम पूरा करती हूँ, लेकिन वही 10 ठो गांठी जल्दी नहीं, साल 6 महीना में। हम सब लोगों ने सुहाग ले लिया, एक बार पूजा करते समय सुहाग लिया जाता है, एक बार सुहागली खाने के बाद सुहाग लिया जाता है। अब कौन ले जाए, यहाँ पर सब लोग ले रहे हैं और जो भी ये सुहाग का सामान है सबको ऐसे लिया जा रहा है, कोठा में दिया जा रहा है। झूला झूला रहे हो, लौंग हमको भी दे, साथ साथ चूड़ी और सब सुहाग का सामान सब कर दो, सबको दे दे। ये सिक्का भी डालना क्या? हाँ हाँ हाँ, एक एक की सिक्का डाल दो। ये सब लोग ना लौंग फूल वाली लौंग खाई जाती है, वैसे भी इतना मीठा खा लिए हैं, लौंग खाने से ना अच्छा लग रहा है, मीठा खाने के बाद लौंग खाओ तो अच्छा लग रहा है। करो तलानी बोरी के अंदर रही है तो धारा तो नहीं है, चोका यहाँ कहाँ होगा, बाहर चाले होंगे, आटा वही होगा। चाय पक रहे ना बिट्टू? हाँ। अभी टाइम लगेगा थोड़ी, बस 5 मिनट सब लोग आ गए, ये चाची लोग चाय पी रहे हैं। खुशबू बना रही चाय, तब तक हम अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो मीना सबकी पैर छू रही, हम भी छू रहे हैं, और इसके बाद नाश्ते में आ गए, गुलाब जामुन रेसू सबको खिला रही हैं। तो सब लोग धूप में बैठ करके धूप का आनंद भी ले रहे हैं, गुलाब जामुन भी खा रहे हैं। गाइज आप लोग भी आ जाइए, और कल के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा मेहंदी रसम, सबके मेहंदी कैसे लगी है। वैसे ना काफ़ी लोग धूप में बैठ करके मेहंदी लगा रहे हैं, क्योंकि ठंडी का सीज़न है ना, तो रात में लोग मेहंदी लगाएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे, इसीलिए ना सुबह सुबह से कुछ लोग मेहंदी लगा करके बैठे हुए हैं। और हमने भी एक हाथ में रात में ही लगा लिया था, और हमारी छोटी वाली चाची भी नहा करके आ गई। हम लोग सब लोग ना धूप में बैठ करके पीते हैं चाय, और धूप में अगर बैठ जाओ ना ठंडियों में तो उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसे लगता है जितने भी काम है ना धूप में बैठ करके कर लो। तो यहाँ पर हमको काटना था लौकी, तो हम लौकी भी काट लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं ना वो जल्दी नाश्ता नहीं करते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन है, हलवा है, पोहा है, नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ना जल्दी हम बना देते हैं लौकी की सब्जी और रोटी। तो पूजा ने बना लिया है सब्जी और रोटी भी पूजा बना रही, और ऐसे ना सब लोग मिलजुल करके काम कर लो ना तो कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर बना हुआ है बच्चों के लिए पोहा, और देख सकते हैं कितने बड़े भगोने में पोहा बना हुआ है, और कुछ लोग मेहंदी भी लगा रहे हैं, तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मंडप के नीचे ना तो हमारे यहाँ ये वाली पूजा होती है, नाछुर हो रहा है, और सासू माँ पापा जी बैठे हुए हैं, पंडित जी करवा रहे हैं, और हम सब लोग खा रहे हैं खाना, क्योंकि टाइम ना 1:30 बज रहे थे, और आज खाने में हल्का फुल्का वाला खाना बना हुआ है। चरवा चरवा देबू कि नहीं? आंवला का अचार दे, आंवला का, और किसका चाहिए? आंवला का, आंवला का अचार दो, आंवले का थोड़ी ज्यादा रखना, बस बस बस। अब शाम के भी यहाँ कोई पूजा होती है पेड़ के नीचे, तो सासू माँ कर रही हैं, और सभी लोग यहाँ पर मंगल गीत गा रहे हैं, तो आप लोग भी सुनिए। इस बार ना शादी में जितनी भी रस्में हो रही सासू माँ कर रही हैं, हम ना बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, और पूरा रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि कभी अगर भूलें तो यूट्यूब में हम देख सकते हैं। Oh,
आप लोगों को ना मंगल गीत कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप तीन जगह ना सासू माँ से लीपी हैं, लीपने के बाद ऐपन लगाती हैं, जो मिट्टी की डेली रखती है ना उनको रखती हैं, गौरी रखती हैं, इसके बाद हल्दी चंदन सब लगाती हैं, ऐसे पूजा होती है। सच बताएं फर्स्ट टाइम है हम इतने ध्यान से पूजा देख रहे हैं, नहीं तो इतनी शादी मायके में हुई है, ससुराल में हुई है, लेकिन हमने ऐसे नहीं देखा है। और हमारे यहाँ ना ये पूजा ना बड़े ही करते हैं। अब शाम को हम सब लोग ना ढोलक में मंगल गीत गा रहे थे, लेकिन आप लोगों को नहीं सुनाए क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉक हो गया था। इस ब्लॉक का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय।